शिमला के लकड़ बाजार में स्थित आइस स्केटिंग रिंग एशिया का पहला ओपन एयर रिंग है, जहां आज भी प्राकृतिक रूप से बर्फ जमाई जाती है। इस रिंग को 1920 में अंग्रेजों ने बनाया था, तब से लेकर हर साल यहां पर सर्दियों में प्राकृतिक रूप से बर्फ जमा कर स्केटिंग करवाई जाती है। आइस स्केटिंग क्लब के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रजत मल्होत्रा ने बताया कि ट्रायल सफल रहा। कल से स्केटिंग के रेगुलर सेशन शुरू हो जाएंगे, जो सुबह 8 से 10 बजे तक होंगे। सभी स्केटिंग सुबह के समय ही होगी। उन्होंने कहा कि सभी सदस्य कल से स्केटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। मेरा नाम रजत मल्होत्रा है, मैं शिमला स्केटिंग क्लब में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की पोस्ट पे हूँ। आज सुबह आइस की कंडीशन ठीक थी, तो हमने आज सुबह ट्रायल कंडक्ट किया है और वो सक्सेसफुल रहा है, और कल से हम रेगुलर सेशंस शुरू कर देंगे। तो अभी सिर्फ सुबह की स्केटिंग शुरू हुई है, जो सुबह 8 से 10 बजे तक रहेगी, और स्केट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी रेंज पे रहेगा। तो जो मेंबर्स हैं हमारे, तब आ सकते हैं और स्केट्स भी ले सकते हैं और स्केटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।